दुनिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी फिर एक्टिव। सैकड़ों फीट की ऊंचाई तक उछल रहा है लावा। ज्वालामुखी ने अमेरिका की उड़ाई हवाइयां। अमेरिका के हवाई आइलैंड पर धुआं और लावा उगलता ये किलुआ ज्वालामुखी पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र हुआ करता था, लेकिन पिछले 10 दिनों से ये ज्वालामुखी डर और खौफ का केंद्र बना हुआ है। 10 दिन पहले हवाई आइलैंड पर किलुआ ज्वालामुखी में जबरदस्त विस्फोट हुआ और लावा 330 फीट की ऊंचाई तक उछल गया था। सड़क से लेकर रिहायशी इलाकों तक फैल गया लावा 35 मकानों को निगल गया। ज्वालामुखी में 10 जगहों पर लावा फूटा था जो 4,00,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैल गया था, जिसके चलते इसके आसपास के इलाके में रह रहे 2,000 लोगों को हटाया गया था। अब एक बार फिर ज्वालामुखी एक्टिव हो गया है। अमेरिकी जियोग्राफिकल सर्वे ने अंदेशा जताया है कि ज्वालामुखी अभी शांत नहीं हुआ है और इसमें कभी भी भयानक विस्फोट हो सकता है। ज्वालामुखी से उठता राख का गुबार 12,000 फीट की ऊंचाई तक फैल गया है, जिसको देखते हुए पूरे हवाई आइलैंड में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिकी जियोग्राफिकल सर्वे के मुताबिक ज्वालामुखी में हो रही एक्टिविटीज किसी भी वक्त भयानक रूप ले सकती है। इसमें तेज विस्फोट हो सकता है और राख निकलने की मात्रा तेज हो सकती है। हवाई की वोल्केनो ऑब्जर्वेटरी ने बुधवार को ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे का टेम्परेचर 102 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। ऑब्जर्वेटरी ने बताया कि ज्वालामुखी में कई छेदों से बहुत ही हाई लेवल की सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही और आसपास रहने वाले लोगों के लिए बहुत खतरनाक है, जो हवा में 100 फीट की ऊंचाई तक जा रहा है। नेशनल गार्ड के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक ज्वालामुखी में करीब 20 छेद खुले हैं और इससे निकलने वाला लावा शहर के मुख्य हाईवे की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि ये लावा हाईवे से 2 मील दूर है और 100 गज प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है। आज तक ब्यूरो